मेरा नाम माजन हुसैन है, मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एमयू स्टूडेंट्स यूनियन। हमें पहले ये जानना चाहिए कि हम लोग कैंपस आते ही क्यों हैं। एनआरसी सीए पे जो बवाल आसाम से शुरू हुआ वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू, जामिया और एएमयू जैसी इंस्टीट्यूट इस बीच में कूद पड़ी है। और आपको बता दें, दो दिन पहले ही जेएनयू कैंपस में कुछ नकाब पोशों लोगों ने छात्रों और टीचर्स को निशाना बनाया था और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में छात्रों और अन्य लोगों ने इस घटना का निंदा करते हुए प्रदर्शन किए। इसी बीच आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुमन चैन बनाकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर से खास बातचीत की, उस पर जेएनयू में जो हमले हुए और एनआरसी और सीएए पर वो क्या कहते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस तरह से अभी आपने मुझसे पूछा कि जेएनयू हमले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी क्या सोचती है, ये बात जाहिर तौर पर बात है कि सिर्फ जेएनयू नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम तमाम जगह अगर देखें, जिस तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो गुंडागर्दी चल रही है एबीवीपी को लेके और इस तरह के संगठनों को लेके, ये जो स्टूडेंट्स पर जो ब्रुटैलिटी करी जा रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जेएनयू हिंदुस्तान की उन एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में से है जिसका एकेडमिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली नोन है, जहां के बच्चों ने अपना स्टैंडर्ड इंटरनेशनली शो किया है और बहुत बड़े और प्रख्यात नाम जेएनयू से पैदा हुए हैं। आज आप सोचिए कि चंद स्पॉन्सर्ड गुंडे एक ऐसी एसोसिएशन से जुड़े हुए जो अपने आप को विद्यार्थी परिषद कहती है, वो स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं लाठी डंडे नकाबपोश होके और वहाँ जाने के बाद उन पर ब्रुटैलिटी से हमला करते हैं और बुरी तरीके से उन्हें ज़ख्मी करते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ उस गवर्नमेंट से जो हुकूमत में बैठी है और उन लोगों से, कि अगर वो कभी किसी इंस्टीट्यूशन में गए होंगे, कभी पढ़े होंगे, किसी यूनिवर्सिटी का मुँह देखा होगा, तो वो समझते होंगे कि लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, एक रीडिंग रूम की वैल्यू क्या है, डाइनिंग रूम हॉस्टल रूम्स का क्या अपना एक कल्चर है। क्या कोई स्टूडेंट पूरी दुनिया में किसी उस्ताद पर हाथ उठा सकता है? मैं तो नहीं मानता। और जो बच्चे उस्ताद पे हाथ उठा सकते हैं वो कभी स्टूडेंट नहीं हो सकते, वो हमारी फ्रेटर्निटी से नहीं हो सकते। जिस तरह से एक फीमेल प्रोफेसर को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उनके सर से बेइंतहा ब्लीड कर रहा था, जिस तरह से वहाँ की फीमेल स्टूडेंट को, वहाँ की स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट को किस तरह से मारा गया, बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, उसकी स्पॉन्सर टीम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाती है और उन्हीं बेटियों के ऊपर बर्बरता से हमला करती है, और मूक बगीर होकर सरकार और उसकी पुलिस, जो कि हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को सक्षम कहती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, गोली चलाने में नहीं चूक रही, लाठी चलाने में नहीं चूक रही, लेकिन चंद गुंडों को पकड़ पाने में वो अक्सर मतलब सक्षम नजर नहीं आ रही। एक अफसोस की बात है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, आसाम, दुनिया में कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर यूनिवर्सिटी, आप जाके देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ये एक ऐसा रिलीजन है जिसे स्टूडेंट्स कहते हैं ये सब एक हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की जो है, 125 करोड़ में 70% आबादी यूथ और स्टूडेंट्स की है, और अब ये फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पे हिंदुस्तान में खड़ी हो चुकी है। और ये फासिस्ट गवर्नमेंट, जाहिलों की सरकार मैं कहूँगा, जिनकी डिग्रियों का पता नहीं, जिनके पढ़े लिखे होने का वजूद नहीं, जिनके मिनिस्टर्स कभी अपने हलफनामे में कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आज उन लोगों के बीच खड़े होकर उन स्टूडेंट्स को साबित करना पड़ रहा है जो बेहतरीन स्कॉलर्स और पेपर पब्लिश करा रहे हैं। अफसोस की बात है हिंदुस्तान सरकार के लिए, एक महज पिंकी चौधरी नाम का एक गुंडा न्यूज चैनल्स में आके जिम्मेदारी लेता है और ये कहता है कि मैंने उस पर अटैक करवाया है, और अभी तक जो है हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ की पुलिस उसे देख रही है, मीडिया के अंदर वो बैठ के बाकायदा शान से जिम्मेदारी ले रहा है। हमने तो कभी सुना था कि आतंकवादी संगठन इस तरह से कहा करते थे कि हमने उस अटैक की जिम्मेदारी ली, तो ये समझिए कि सरहद पार के आतंकवादी संगठनों को छोड़िए, जो सरहद के अंदर जो आतंकवादी संगठन आके बस गए, जो इस हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, यहाँ की इक्वालिटी को और जो स्टूडेंट्स को तोड़ने में लगे हुए हैं, सबसे पहले उन लोगों के ऊपर अरेस्टिंग होनी चाहिए उन लोगों की, और उन पर एक्शन होना चाहिए, तभी हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सेव होगा। और अब ये लड़ाई हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस तिरंगे को बुलंद करने की लड़ाई है जो आज हम लोग देख रहे हैं, और इसका ट्राई कलर हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, हिंदुस्तान की क्वालिटी को दिखाता है। वी द स्टूडेंट्स, हम छात्र इस हिंदुस्तान के जिम्मेदारी लेते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इस तिरंगे को ऊँचा रखेंगे और इंशाल्लाह ताला जिम्मेदारी के साथ हाथ में थाम के चलेंगे। जेएनयू का हमला, उससे पहले जामिया पे हमला, उससे पहले जामिया पे हमला, उसके बाद एएमयू पे हमला, ये जो लड़ाई है ना, अब ये लड़ाई संघ बनाम छात्र संघ की है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जाके जेएनयू में मारपीट करी, पढ़े लिखे लोगों को हमला हो रहा है। और आप देखिए, ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। अब इस देश के एक आम नागरिक को, जिसको भी संविधान से प्रेम है, कल तक तो ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान सीएए की जो लड़ाई थी, सिर्फ इसमें मुसलमानों के एक्सक्लूजन की बात थी, मगर धीरे 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 वो वही बात है ना कि अगर हमारे घर में आग लगेगी तो धुआं तो होगा, और धुआं होगा तो जाहिर है सांस लेने में तकलीफ सबको होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो ये लड़ाई है, ये आम नागरिक की सरकार से लड़ाई है, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलके, जैसे हमारे बाप दादाओं ने गोरों से लड़ाई लड़ी थी, वैसे हमें संविधान के चोरों से लड़ाई लड़नी है। और इन चोरों से लड़ाई लड़ने के लिए हमको अब जागना होगा, रातों को जागना होगा, दिन को काम करना होगा, और मिलजुल कर सबको इस फासिस्ट हुकूमत को जवाब देना होगा। देखिए, जेएनयू में जो ये हमले हुए हैं, ये जो सी ओ एन आर सी का जो मामला सारा चल रहा था सरकार का, इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का मुद्दा था, जो कहीं हद तक कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहना चाहेंगे, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे मोदी है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था अपनी उसमें कि ये जो है आपके टुकड़े टुकड़े गैंग, जो ये जेएनयू वालों को समझते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को जो है सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने उसी मोटिव के तहत अपने गुंडों को भेज के जेएनयू के लड़कों पे जो है ये वहाँ हमले करवाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। देखिए, जेएनयू में जो हमले हुए वो ये बात बताते हैं कि हिंदुस्तान का जो इस वक्त जो कानून है, वो कानून ऐसा हो चुका है कि जैसा कि BTCS टाइम में था, उससे भी ज़्यादा भयाबिया हो गया है, उससे भी ज़्यादा गंदा और उससे भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। जेएनयू में स्टूडेंट अगर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपने वहाँ अटैक किया, वो भी ढांटे मार कर अटैक किया, जाहिर सी बात है कि आप किसी का वहाँ कत्ल भी कर सकते थे। आप लाठी डंडे से अगर उन्हें मार रहे हैं, हो सकता है जिसके सर पर चोट लगी थी उसका कत्ल भी हो जाता, जैसा कि जलियांवाले कांड में हुआ था। वहाँ तो उन्होंने खुला किया था अंग्रेज़ों ने, वो इतनी हिम्मत रखते थे क्योंकि हम गुलाम थे। आज आपने चोरों की तरह घुसके मारा है, क्योंकि ये वो गॉडसे हैं जिस गॉडसे ने पहले महात्मा का कत्ल किया था, उसी गॉडसे के जो हज़ारों गॉडसे हैं उन्होंने हायर कर लिए हैं। संघ ने एक गॉडसे को पहले हायर किया, आज का जो संघ है, आज के जो हमारे ये BJP के जो नेता हैं, जो गृहमंत्री हैं, ये इनके हायर किए हुए गॉडसे हैं, जिन गॉडसों ने वहाँ घुस के महात्मा की सोच को कुचलने का काम किया है। जब महात्मा का कत्ल हुआ था, अब महात्मा की सोच का कत्ल करने पर लगे हुए हैं। JNU में जो कत्ल किया जा रहा है, AMU में जो कत्ल किया जा रहा है, यहाँ जो खून बहाया जा रहा है, जामिया में जो खून बहाया जा रहा है, ये पुलिस के द्वारा महात्मा और आज़ादी के दीवाने भगत सिंह जैसे नुमाइंदों के मानने वालों का और उनकी सोच का कत्ल किया जा रहा है, उनकी सोच का खून बहाया जा रहा है। कैंपस इसीलिए आते ताकि अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जाए, डिस्कशन किए जाए, डिसेंट को एक जगह मिले। हम गोधरा में तो फाइट नहीं कर सकते हैं ना ही मुजफ्फरनगर में फ़ाइट कर सकते हैं, ना ही दिल्ली के सिटियों में फ़ाइट कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाई देख ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, वाई दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रूटलिटी, अगेंस्ट द वायलेंस। चूँकि आपको पता है CA का मतलब है, इट इज़ सिंपली टारगेटिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज़ अगेंस्ट इट इज़ हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14, द सेक्युलर एथॉस ऑफ द कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया सेक्युलर डेमोक्रेटिक। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया JNU के छात्रों ने, चूँकि ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, हर्ष पॉलिसीज था। तो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड गुंडे जो हैं, जिन्होंने JNU में जाके जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको लाठियों से मारा, उन पे हमले किए, वेंडलाइज किया सिचुएशन वहाँ पे। तो इसको हम सब लोग कंडम करते हैं, लेकिन अब हमें इस बात के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो इस तरह के आल्टरनेट, जो इस तरह के गुनज हैं, इनको अपनी मूवमेंट से ज़्यादा दूर रखा जाए, अपने मोमेंट्स को ज़्यादा पीसफुल रखा जाए। हमें बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, प्रोवोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड मिलिट्री या पुलिस जो तैनात किए गए हैं यूनिवर्सिटियों में, कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं पीसफुल, वो प्रोवोक हो जाए, ताकि इनको मौका मिले लाठीचार्ज करने का। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ कि बाहर से आए हुए गुनज एंटर हो गए यहाँ पे, और उन्होंने पथरा मारा या जो भी किया, और हम लोगों पे लाठी चार्ज करवाया, यानी पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो स्पॉन्सर्ड गुंडे हैं, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो या किसी और संगठन की तरफ से हो, इन सब से हमें बचना चाहिए। हमारी मूवमेंट बहुत लंबी है, कोई शॉर्ट मूवमेंट नहीं है, ये कैब का प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है। सबसे बेहतरीन तरीका अहिंसा को अपनाना, गांधी जी के नॉन वायलेंस तरीकों को अपनाना। गांधी जी इतने टाइम क्यों सस्टेन कर पाए ब्रिटिश के खिलाफ, बिकॉज ऑफ द नॉन वायलेंट पॉलिसी। सो वी ऑल हैव टू टेक द स्टेप्स फॉरवर्ड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रूटलिटी एंड द वायलेंस क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट बाय कमिंग अप विद दिस
CAA, which is just hurting the sentiments of the minorities, hurting the sentiments of the constitution. It's hurting the secular ethos of the country. It is just an attempt to divide the country on the basis of communal lines. So it's not going to help us to create unemployment. Yeah, unemployment dur nahi kar sakte hai, ye vikas nahi kar sakte hai, kyunki sarkar ka nara tha vikas. तो कम्युनल डिवीजन से तो विकास नहीं होगा. बाबरी मस्जिद को अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया बीइंग ए मुस्लिम, तो इसलिए एक्सेप्ट किया कि ये एक इम्पेडिमेंट था, लग रहा था कि इससे डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, ये मुद्दा हमेशा बार बार आ रहा है. तो मुसलमान तबके ने अपने दिल पे पत्थर रखे तो एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन चूंकि आप बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है कम्युनलाइज करने के लिए, दे कम अप विद दिस कैब और CAA, जिससे एक ही चीज़ होगा कि मुसलमानों को बेघर किया जाएगा, उनको जो गवर्नमेंट राइट्स होते हैं, जो एक सिटीज़न को मिलते हैं, वो राइट्स उनको नहीं मिलेंगे. इन पे आगे जाके सियासत हो सकती है, जस्ट टू क्रिएट ए कम्युनल डिवीजन वायर अपॉन दे कैन गेट सम पॉलिटिकल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. दिस इज ऑनली मेंट फॉर दैट द CAA. अब इसलिए छात्र संघ अपने देश को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए, सेक्युलर एथॉस को बचाने के लिए, इस कंट्री को फिर से डिवीजन ना हो, जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार हो चुका है, इस तरह फिर से ना हो. हम सब लोग इकट्ठे होके फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इस CAA के खिलाफ. आई एम फ्रॉम कश्मीर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बट आई हैव द सेंटिमेंट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, फॉर द नेशन. तो इस नेशन को बचाने के लिए ये डिवाइड ना हो, हम सब लोग आज ह्यूमन चेन की हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमारा एक ही मकसद है कि इंस्टीट्यूशन पर हमला करना बंद हो, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे पीसफुल, इनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए, क्योंकि हमारा हक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गिविंग अस राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली. हम किसी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो हमें लगे कि ये पॉलिसी सेक्युलर इतिहास को पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, उसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करना चाहिए तो हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत है. और जो इसके खिलाफ वायलेंस करने की क्रिएट कोशिश कर रहा है, उसको मैं कहूंगा कि वो देश के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है. तो जो भी ये इस वक्त अटैक्स हुए, इट वाज जस्ट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द एक्टिविज्म, स्टूडेंट एक्टिविज्म. तो जो भी ये लोग, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए.